स्कूल जहां अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं लेकिन वहां उन्हें पढ़ाई की जगह मिलती है मार। ऐसा ही एक मामला नदौन के केंद्रीय विद्यालय में पेश आया है। बच्चे को जानवर की तरह पीटा गया और उसके सिर के बाल भी नोच डाले। नदौन केंद्रीय विद्यालय के एक अध्यापक ने नाबालिग की बुरी तरह से पिटाई कर दी और उसे डंडे से पीटा गया। जब भी उसका मन नहीं भरा तो अध्यापक ने बच्चे के सिर के बाल खींच कर निकाल दिए। इस बात की चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल गई है और छात्र सदमे में हैं और बहुत डरा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि छात्र को स्कूल के एक अध्यापक ने स्कूल के प्रांगण तथा फिर कमरे में सभी बच्चों के सामने पिटाई की और उसे वर्तता से पीटता देख कक्षा के सभी बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। बीते दिन बच्चे के माता पिता सहित अन्य परिजन स्कूल में आकर धमकी तथा स्कूल प्रबंधन से छात्र की पिटाई करने वाले अध्यापक पर उचित कार्रवाई करने की जिद पर अड़ गए। स्कूल प्रशासन ने इन सभी को भरोसा दिलाया है और कहा कि इस मामले के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन उचित कार्रवाई अमल में लाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय के बच्चे आधी छुट्टी के समय आसपास के ग्राउंड में खेल रहे थे तथा उस समय बिना वजह एक अध्यापक ने एक बच्चे की बुरी तरह से पिटाई कर दी तथा उसके बाल तक नोच डाले और इस मार से सहमे बच्चे ने यह बात परिजनों को नहीं बताई तथा उसी दिन शाम के समय बच्चे की माँ को किसी ने बताया कि आपके बच्चे को बुरी तरह से स्कूल में एक अध्यापक ने पिटाई की है और उसके सिर के बाल भी नोचे हैं। ये सुनकर माँ आग बबूला हो गई और उसने उसी समय अपने बच्चे को देखा तो पाया कि सर के बाल निकले हुए थे तथा शरीर के अन्य हिस्सों पर भी मार के निशान थे। उन्होंने उसी वक्त स्कूल के एक अध्यापक से फोन पर बात की और कहा कि वह इस मामले की शिकायत पुलिस में करेंगी और इस सारी घटना की जानकारी मीडिया के समक्ष रखेंगी। लेकिन अध्यापक ने भरोसा दिलाया है कि आपके बच्चे के साथ अन्याय नहीं होगा, आप सुबह स्कूल आकर बात कर लें। परंतु हद तो तब हो गई जब बच्चे की माँ तथा परिजन सुबह स्कूल पहुंचे तो पाया कि उनके बच्चे को उसी अध्यापक ने स्कूल से बाहर खड़ा किया था और वह कांप रहा था और रो रहा था। ये सब देखकर मां का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा तथा इन सभी ने उस टीचर को खरी खोटी सुनाई तथा अध्यापक ने स्कूल प्रबंधन के सामने लिखित रूप में माफी मांगकर अपनी जान छुड़वाई। अध्यापक से परिजनों ने कहा कि हमारे बच्चे ने ऐसा क्या किया कि उसे जानवरों की तरह पीटा गया, तो परिजनों के अनुसार उस अध्यापक ने कहा कि बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और उनके कपड़े गंदे हो रहे थे, तो माँ ने कहा कि मेरा बेटा अकेला ही खेल रहा था और बच्चे नहीं थे जो उसे ही पीटा गया। इस बात का उत्तर अध्यापक जवाब नहीं दे पाया। गौर रहे कि अभिभावकों के मुताबिक इस अध्यापक के प्रति पहले भी कई शिकायतें की जा चुकी हैं। जब इस बारे में स्कूल की प्रधानाचार्य वनिता परसिरा से बात की गई तो बताया कि वह छुट्टी पर है और मामला उनके ध्यान में आया है और केंद्रीय विद्यालय संगठन उस अध्यापक से बात करके इस मामले पर उचित कार्रवाई करेगा। गत दो दिनों तक लगातार केंद्रीय विद्यालय की सातवीं कक्षा के छात्र की निर्मम पिटाई के बाद उनके परिजन पूरी तरह से सहमे हुए हैं। यही नहीं, अध्यापक के सामने बुरी तरह पिटाई करते समय इस छात्र को पीटे जाने पर अन्य विद्यार्थियों के भी आंसू निकल आए। इस तरह की पिटाई से अन्य कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के परिजनों में भी आरोपी अध्यापक के प्रति आक्रोश है। उन्हें मलाल है कि ऐसे निरी घटना के बाद भी अभी तक स्कूल प्रशासन छुट्टी पर गई प्रधानाचार्य के लौटने का इंतजार में बैठा है। उपमंडलाधिकारी नदौन अमित मेहरा ने कहा कि स्कूल में विद्यार्थी की पिटाई करना एक गंभीर मामला है और इस मामले की छानबीन करवाई जाएगी। जो भी दोषी पाया गया उसके प्रति नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।